हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में तेजी से ग्रो कर रही प्राइवेट एरोस्पेस कंपनियों के बारे में, जिनके आइडिया, प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट के कारण फ्यूचर में भारत एरोस्पेस के फील्ड में एक सुपर पावर बन सकता है और नासा एंड स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार एट प्रेजेंट में भारत में 25 प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेस कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, पर ऐसी भी कुछ एरोस्पेस कंपनीज हैं जिनको विकिपीडिया पर दिखाया नहीं गया। इनमें से 5 ऐसी कंपनियां हैं जो एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चर करती हैं, 6 ऐसी कंपनियां हैं जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, 7 ऐसी कंपनियां हैं जो एरोस्पेस एंड डिफेंस के फील्ड में काम करती हैं, और आखिर में 6 ऐसी कंपनियां हैं जो रॉकेट एंड रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस, ब्लैट्रिक्स एरोस्पेस, गोदरेज बोयस, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर और स्काईरूट एरोस्पेस जैसी कंपनियां। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे 5 रीजन्स के बारे में जिनसे भारत एरोस्पेस के फील्ड में तेजी से आगे बढ़ सकता है। नंबर 1, ब्लैट्रिक्स एरोस्पेस हॉल इफेक्ट थ्रस्टर। दोस्तों, ब्लैट्रिक्स एरोस्पेस एक इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड स्मॉल सैटेलाइट कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। भारत में ज्यादातर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एरोस्पेस कंपनियों का हेडक्वार्टर बेंगलोर और चेन्नई में है, जिनको भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ब्लैट्रिक्स एरोस्पेस 2015 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी, जिसके फाउंडर है रोहन एम गणपति और यशस कर्णम। कंपनी ने अपने रॉकेट चेतक को 2023 में स्पेस में लॉन्च करने का प्लान बनाया है। चेतक एक 2-स्टेज रॉकेट है, जिसमें फ्यूल के लिए लिक्विड मीथेन का यूज होता है। पहले कंपनी के पास केवल एक केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम था जो लिक्विड मीथेन पर बेस है, पर हाल ही में इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है, जिसमें ब्लैट्रिक्स एरोस्पेस ने एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम यानी हॉल इफेक्ट थ्रस्टर को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। दोस्तों, ये इंजन भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड हॉल इफेक्ट थ्रस्टर है। हॉल इफेक्ट थ्रस्टर एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है जो 50 से 500 केजी तक की सैटेलाइट में यूज किया जा सकता है। हॉल थ्रस्टर इन सैटेलाइट को 10 सालों तक स्पेस में प्रोपल्शन प्रोवाइड करवा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इंजन ज्यादा बेहतर और सस्ते होते हैं एक केमिकल प्रोपल्शन इंजन से। इनमें कोई केमिकल रिएक्शन का यूज नहीं होता, ये केवल आयंस को एक्सेलरेट करके थ्रस्ट जनरेट करते हैं, जिनमें ज्यादातर जीनोम एंड क्रिप्टोन नोबल गैसेस का यूज होता है। इस इंजन का यूज वन वेब सैटेलाइट, अमेजोन सैटेलाइट और स्टारलिंक सैटेलाइट में भी यूज किया जाता है, जो स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ दिनों पहले ब्लैट्रिक्स एरोस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल माइक्रोवेव प्लाज्मा थ्रस्टर भी डेवलप किया था, जो फ्यूल के लिए वाटर का यूज करेगा, और इसरो की तरफ से कंपनी को एक ऑर्डर भी रिसीव्ड हो चुका है। तो दोस्तों, ब्लैट्रिक्स एरोस्पेस भारत की तेजी से ग्रो करने वाली स्पेस एजेंसी है, जो इसरो और दूसरी प्राइवेट स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करती है बहुत ही सस्ते दामों पर दूसरे देशों की तुलना में, जो फ्यूचर में भारत को स्पेस पावर बनने में मदद करेगी। नंबर 2, अवतार स्पेसक्राफ्ट। दोस्तों, अवतार स्पेसक्राफ्ट, जिसका पूरा नाम है एरोबिक व्हीकल फॉर ट्रांस एटमोस्फियर हाइपरसोनिक एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि भारत का ऐसा रियूजेबल अनमैनेड स्पेसक्राफ्ट जो रनवे से टेक ऑफ करके स्पेस में सैटेलाइट एंड दूसरे पेलोड को लॉन्च करके वापस रनवे पर हॉरिजॉन्टली लैंडिंग कर सके, लाइक एक एरोप्लेन की तरह। दोस्तों, ये एक डीआरडीओ का कॉन्सेप्ट स्पेस प्लेन है, जिसको 1998 में डीआरडीओ ने लो कॉस्ट मिलिट्री एंड कमर्शियल सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया था। ये स्पेस प्लेन एक स्पेस शटल की तरह दिखता है, पर यह एक स्पेस शटल से काफी ज्यादा एफिशिएंट एंड रिलायबल कॉन्सेप्ट है, जिसमें बेहद ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज होगा। एट प्रेजेंट में भारत के पास कोई भी फुल्ली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट नहीं है, पर अब आप कहोगे कि इसरो की RLV-TD तो भारत का पहला रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें भी एक फर्स्ट स्टेज रॉकेट बूस्टर का यूज होता है, जो इसको वर्टिकली स्पेस में लॉन्च करता है, और ये करोड़ों का बूस्टर बाद में समुद्र में गिरा दिया जाता है, इसलिए ये फुली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए RLV की कॉस्ट उतनी सस्ती नहीं है जितनी DRDO के अवतार की कॉस्ट सस्ती होगी, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट बूस्टर का यूज नहीं होगा। ये एक प्लेन की तरह टेक ऑफ एंड लैंडिंग करेगा। इसमें प्रोपल्शन सिस्टम के लिए 3 प्रकार के इंजन का यूज होगा। पहला टर्बो रैमजेट जमीन से टेक ऑफ करने के लिए, दूसरा स्क्रैमजेट हाईएस्ट एल्टीट्यूड गेन करने के लिए, और तीसरा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन स्पेस में एंटर करने के लिए। तो भारत के लिए DRDO की यह स्पेस प्लेन एक गेम चेंजर हो सकती है। नंबर 3, आनंद महिंद्रा इन्वेस्टेड इन अग्निकुल कॉस्मोस। दोस्तों, ब्लैट्रिक्स एरोस्पेस की तरह अग्निकुल कॉस्मोस भी अपने खुद के रॉकेट एंड प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप करती है। इस कंपनी को 2017 में फाउंड किया गया था श्रीनाथ रविचंद्रन और सत्य नारायण चक्रवर्ती के द्वारा। कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, जहां पर रॉकेट, सैटेलाइट और प्रोपल्शन सिस्टम तैयार किए जाते हैं। अग्निकुल का उद्देश्य है कि भारत में
बहुत ही लो कॉस्ट पर रॉकेट सैटेलाइट एंड रॉकेट इंजन डेवलप करके स्पेस में लॉन्च करना, जिसे हर कोई छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करवा सके। जैसे अमेरिकन स्पेसएक्स नासा के साथ मिलकर काम कर रही है, उसी तरह से ब्लैटिक्स एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस भी इसरो के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे भारत स्पेस रेस में तेजी से आगे बढ़ेगा। और दोस्तों यहां पर अभी की लेटेस्ट न्यूज ये है कि आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अग्निकुल कॉस्मोस में अराउंड 80 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे अग्निकुल अपने रॉकेट अग्निबाण को तेजी से डेवलप करेगी। अग्निबाण एक टू स्टेज रॉकेट है जो 100 केजी वजन को लो अर्थ ऑर्बिट में 700 किलोमीटर तक कैरी कर सकता है। रॉकेट का इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन बेस्ड है, इसलिए कंपनी ने 2022 तक रॉकेट को लॉन्च करने का प्लान बनाया है। अगर कंपनी इसी तरह से काम करती रही तो आने वाले कुछ ही सालों में इन रॉकेट में वर्टिकली लैंडिंग एंड वर्टिकली टेक ऑफ जैसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप की जाएगी। जैसे इलोन मस्क के रॉकेट वर्टिकली लैंडिंग करते हैं, वैसे भारत भी उनसे कम लागत में ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। नंबर 4, स्काईरूट एरोस्पेस फंडिंग। दोस्तों अग्निकुल कॉस्मोस की तरह स्काईरूट एरोस्पेस भी भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसको इसरो के दो साइंटिस्ट पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका के द्वारा 2017 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के तेलंगाना में है। स्काईरूट अपने स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल की एक सीरीज डेवलप कर रही है, जिनसे ये स्मॉल सैटेलाइट को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगी। इनके पास अभी 3 रॉकेट्स अंडर डेवलपमेंट में है, पहला विक्रम 1, दूसरा विक्रम 2 और तीसरा सबसे हैवी रॉकेट विक्रम 3, जो 720 किलोमीटर तक पेलोड को लॉन्च करने में सक्षम है। स्काईरूट ने भी 2020 और 2021 में अपने रॉकेट्स को लॉन्च करने का प्लान बनाया था, पर कोविड-19 के चलते ये लेट हो गया। अब कंपनी 2022 में विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च करेगी, जिसे भारत 2022 में स्पेस के फील्ड में काफी ज्यादा हाईलाइट होने वाला है। और दोस्तों अग्निकुल कॉस्मोस की तरह कंपनी को इस साल काफी ज्यादा फंडिंग भी मिली, जिससे अब इसका टोटल बजट $11 मिलियन तक पहुंच गया है, जो भारत को स्पेस पावर बनाने में मदद करेगी। नंबर 5, गोदरेज एंड बोयस। दोस्तों जब हम बात करते हैं भारत को स्पेस पावर बनाने की और गोदरेज बोयस का नाम नहीं आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोस्तों गोदरेज एरोस्पेस ने 1985 में एरोस्पेस बिजनेस स्टार्ट किया था, जो भारत में इसरो के स्पेसक्राफ्ट बनाती है। मंगलयान एंड चंद्रयान जैसे स्पेसक्राफ्ट भी गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा ही बनाए गए थे। इनके पास एरोस्पेस के हाईटेक स्पेसक्राफ्ट और इनके कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हर प्रकार की रोबोटिक्स मशीन अवेलेबल है। गोदरेज एरोस्पेस अब तक 200 से ज्यादा रॉकेट इंजन, 600 से ज्यादा सैटेलाइट थ्रस्टर और 400 से ज्यादा एयरफ्रेम असेंबलीज बना चुकी है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, इसरो अपना यूनिफील्ड लॉन्च व्हीकल यानी ULV बना रही है, जो इसरो के PSLV एंड GSLV Mark 1, Mark 2, Mark 3 को रिप्लेस करेगा। इस रॉकेट में भी गोदरेज एरोस्पेस 5 SE-200 रॉकेट इंजन को डेवलप कर रही है। दोस्तों ये सभी प्राइवेट स्पेस एजेंसी भारत को स्पेस पावर बनने में तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिसे हम आने वाले कुछ ही समय में स्पेस के फील्ड में काफी ज्यादा एफिशिएंट और हाईटेक होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।